ट्रेडर्स, हाउ आर यू? निखिल दिस साइड. ओके, सो आज हम बात करेंगे इंट्राडे पोजीशन के बारे में. एक्चुअली इंट्राडे पोजीशन होता क्या है और इवन हम कैसे काम कर सकते हैं. ठीक है, मोस्टली आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए की पॉइंट्स बताए थे. एज यूजुअल आज हम इंट्राडे पोजीशन के लिए की पॉइंट्स बताएंगे. एक्चुअली आप जब जब पोजीशन बनाते जाते हैं ना मार्केट में, तो आपका एक रिस्क इंक्रीज होता चले जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्कैल्पिंग की बात कर रही थी तो वहां पे रिस्क था, बट वहां पे मिनिमम रिस्क था. आपको एग्जिट भी उसी स्पीड से करना था जिस स्पीड से आपने एंट्री करी है. बट इंट्राडे पोजीशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री करी तो आपको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस तो भाई मैंडेटरी है, इसे आज लिख लो या कल लिखोगे, डेफिनेटली SL ऑलवेज मैंडेटरी. ओके, अब SL लग गया. एक्चुअली होता क्या है ना मार्केट में, एंट्री आ गई, स्टॉप लॉस आ गया, एग्जिट आ गई, बट फियर ऑफ फोमो क्रिएट होने लग जाता है. वो फोमो क्रिएट क्यों होता है पता है? क्योंकि जहां पर आप एंट्री करोगे ना, वहां पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करोगे, और यू नो अगर वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है तो सभी रिटेलर्स को भी तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है ना. और वो एक इंडिविजुअल ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन अपना पैसा डालेगा, आपको सारी अपॉर्चुनिटी को क्लियर ऑन कर देगा. सो हमेशा क्या देखना चाहिए आपको, जहां पर लेस प्रोबेबिलिटी हो और कंफर्मेशन ज्यादा हो, तो डेफिनेटली एक छोटे से रिस्क को लेकर के आप एंट्री कर सकते हैं. डेफिनेटली आई ऑलवेज अगेंस्ट टू होप ट्रेडिंग, इमोशन ट्रेडिंग. ओके, सो आपको हमेशा सारे सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए ना, इंडिकेटर ट्रेडिंग कैसे होती है, प्राइस एक्शन कैसे है, क्या होता है प्राइस एक्शन, इवन दैट स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं, राइट? सो हर एक पॉइंट पे फोकस कीजिए. फॉर एग्जांपल, ये हमारी टारगेट शीट थी जहाँ पे हमें पता था कि हमारे टारगेट अचीव होंगे. तो यार यहाँ पे आपका रिस्क भी तो पता है ना. हाँ, 10,000 तो हमारे डन हो गए. अभी हमें पता है जब हमारा पोटेंशियल डाउन है, मार्केट ने टेक्निकल एडजस्टमेंट बता दिया और डाउन आ सकती है, तो व्हाई आई एम एग्जिटिंग? नो, आई एम नॉट एग्जिटिंग. ओके, सो मैंने छोड़ दिया पोजीशन को. क्या हुआ एट द एंड? प्रॉफिट ही भावे छे ना भाई, लॉस नहीं भावे छे ना. सो बैठ के काम कीजिए, आराम से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, क्या पता इससे और नीचे चले जाए. हाँ, क्या पता आपके टारगेट अचीव ना हो पाए, कुछ भी हो सकता है. मार्केट एक सुपीरियर इंस्ट्रूमेंट है ना. सो भाई, सुपीरियरिटी को हमेशा सैल्यूट कीजिए, बस एडजस्ट करते जाइए अपने आप को. फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट आ रहा है और अच्छा लग रहा है, आप अपने आप से पूछिए ना, पोटेंशियल है और आपको एडजस्टमेंट करनी नहीं आ रही टेक्निकल की, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसे बुक करके रख लीजिए. और अगर आपको दिख रहा है हाँ भाई पोटेंशियल है यार, सेलर प्रेशर प्योरली है, हाँ, तो वहां पे आप वेट नहीं कर सकते, वेट कर सकते, सॉरी. ओके, सो हमेशा अपने एपेटाइट को देखकर चलिए. फॉर एग्जांपल, ये जैसे आपने टारगेट चार्ट देखा, यहां पे क्या हुआ, इस रेड कैंडल को देखिए, ये एकदम से पोटेंशियल डाउन आ गई. इसका मतलब सेलर पोटेंशियली फुल बैठा हुआ है. हाँ, सेलर प्रॉपर अपना प्रेशर लगा रहा है, देन व्हाई आई एम एग्जिटिंग? नॉट एग्जिट ना. क्यों? क्योंकि अगर यहां पे विक्स बनाता तो डेफिनेटली मैं सोचता एग्जिट करने की, बट वहां पे कोई विक्स ही नहीं है, कोई शेडो ही नहीं है, कोई नीचे से डिमांड ही नहीं है भाई, तो मैं क्यों एग्जिट करूं? जब पैसा आ रहा है, जाता है जब, कितना अच्छा लगता है ना, आता हुआ भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए. हाँ, सो हमेशा अपने एपेटाइट को फॉलो कीजिए. हाँ, इंडिकेटर के साथ भी आप जा सकते हैं, चेक कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, राइट? लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, ओसिलेटर्स, डेफिनेटली गो विद ऑल ऑफ देम. बट हाँ, एट द एंड तीन वर्ड याद रखना, प्रोबेबिलिटी, कंफर्मेशन एंड मैनेजमेंट विद मनी, रिस्क मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं. ओके, जिससे क्या होगा, आप जब भी एंट्री करेंगे ना, तो आपको कंफर्मेशन जरूर रहनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारे टाउन की कंफर्मेशन थी, क्या क्या कंफर्मेशन थी, शेडो पे कोई विक्स नहीं थी, सेलर फुल प्रेशर लगा रहा था डाउन साइड में. अभी सेलर प्रेशर लगा रहा है, हमें पता है लॉकडाउन अलग अलग फंडामेंटली अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में से तो फंड जाएगा ही ना. आपको पता है ना, वॉर सेक्टर और पीस सेक्टर, वॉर सेक्टर हमेशा अपने मेडिकल एरियाज होते हैं,
आदमी को पहले अपनी लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए, लाइफ ऑलवेज ना। सो हम सेफ साइड में से जो पीस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, उसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे। ओके, एंड डेफिनेटली जब मार्केट डाउन जाएगी तो सेक्टर्स जो मेडिकल सेक्टर्स है वो कुछ कुछ अप जाने स्टार्ट करेंगे। ओके जी, एंड ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ पहले सीखिए, लर्न कीजिए। डेफिनेटली देखिए कोई फायदा नहीं है, स्टार्टिंग में 2-4 हज़ार कमाओगे, डबल दे करके जाओगे अगर लर्निंग नहीं होगी। और पैसा देना ही क्यों है भाई? हाँ, आपको हमेशा पता है जो भी चीज प्रोबेबिलिटी होती है उसको एटलीस्ट नहीं तो 2 या 3 सोर्स की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज सोर्स? आपको पता है ना एक बिजनेसमैन के 8 सोर्स हो सकते हैं अर्निंग के। हाँ, अगर अर्निंग के अलग अलग सोर्स ना करिए, क्रिएट करे, तो भाई एक तो सोर्स कभी भी जा सकता है, बिकॉज बिजनेस ऑल्सो आ प्रोबेबिलिटी ना। कल को क्या हो जाए, जेट एयरवेज इतनी बड़ी कंपनी थी, डूब गई, भाग गया विजय माल्या, अब क्या करे भाई? आपका तो फिर भी छोटा सा बिजनेस है ट्रेडिंग का। जिनका बड़े बड़े सक्सेसफुल हैं जो, वो तो आपका पैसा रोटेट ट्रांजेक्शन करते ही आपको मैनिपुलेट कर लेंगे ना जी। सो हमेशा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए। पहले जिस बिजनेस को करने जा रहे हो उस बिजनेस को पहचानो, पहले क्या कहना चाह रहा है ये बिजनेस। एंड डेफिनेटली यू आर द विनर ऑलवेज, लाइक डोंट वरी अबाउट इट, फ्यूचरिस्टिक बन के चलिए। ऑप्शन राइटिंग करने लग जाइए अगर आपका फंड लाइक 5 लाख से एक्सीड है तो। आपकी ज़्यादा नीड नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट में कैसे फॉलो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल रिस्क है आपका, लाइक एपेटाइट है आपका 1 or 2,000 का डेली, और कैपिटल है आपकी 3 लाख, तो भाई वहाँ पे ऑप्शन राइट करो ना यार, क्या दिक्कत है? फुल मंथ में यार 10-20% आपका रिस्क नहीं आएगा। ऑप्शन बाइंग में जब भी आओ पोटेंशियली इतना पैसा लेकर आओ जितना आप लूज कर सकते हो। डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग आपको इन सेकेंड, इन मिनट्स और इवन डबल अकाउंट भी कर देती है। बट यार एपेटाइट को तो चेक करिए ना अपनी, व्हाट्स योर एपेटाइट, क्या आप गवा सकते हो? नहीं गवा सकते। डेफिनेटली डायरेक्शन को फॉलो करो, अंडरस्टैंड करो, कोई जरूरत नहीं अभी पैसे लगाने का, क्योंकि मार्केट है वो मैनी अपॉर्चुनिटी, मार्केट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है भाई, और ये कहीं नहीं जाएगी। कल को आपके बच्चे भी आएंगे, वो भी इन्वेस्टर बनेंगे, ट्रेडर बनेंगे, डेफिनेटली वो भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आप समझिए, फोमो क्रिएट मत कीजिए, फोमो क्रिएट करोगे मरोगे, खत्म हो जाएगा पैसा। अंडरस्टैंडिंग कीजिए, एंड अंडरस्टैंडिंग लर्निंग से आती है। पैसा छोड़ दीजिए, अभी नहीं कमाना भाई, IAS में 5 साल दे देते हो, यहाँ पे 6 महीने 1 साल तो दो। ओके, सो हैव अ नाइस डे ट्रेडर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आपको लाइव ट्रेडिंग अच्छी लगी होगी। बाय बाय, गॉड ब्लेस।